प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आप ही के अपने चैनल पर। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ला फ्रेंच के मिलिट्री एडिशन परफ्यूम सीरीज का पार्ट 3 of 5, जिसमें हम रिव्यू करेंगे वॉर जोन उदय पफा का। मॉर्टर और रेजिस परफ्यूम का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और कॉम्बैट और शील्ड का रिव्यू नेक्स्ट पार्ट्स में लेकर आऊंगा। इस रिव्यू में एक नजर डालेंगे आउटर पैकेजिंग और बॉटल डिजाइन पर, और डिटेल में बात करेंगे नोट प्रोफाइल, परफॉर्मेंस, यूजेज, किस एज ग्रुप के लिए सही है, और फाइनल वर्डिक्ट क्या है हमारी, क्या इसको खरीदनी भी चाहिए या नहीं। ये जो फ्रेग्रेंस है, ये क्री डेमेंटस या क्लब दे नुई इंटेंस मेन का एक परफेक्ट क्लोन बोला जा रहा है। इस रिव्यू में हम जानेंगे क्या वो एक्चुअल में परफेक्ट क्लोन है या कुछ पेड रिव्यूज हैं या तारीफ के पुल ऐसे ही बांधे जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने ये परफ्यूम अभी तक ट्राई नहीं करी है, उसको खरीदने का मन बना दें, तो जैसे मैंने बताया, इस रिव्यू को आप एंड तक जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने पैसे खर्च करने से पहले ये रिव्यू आपके लिए मस्ट हैव है। वीडियो को ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने सवाल कमेंट करें या DM करें चैनल के इंस्टाग्राम पेज पर। आउट ऑफ पैकेजिंग और बॉटल डिजाइन इस सीरीज की बाकी परफ्यूम्स के जैसी है। पैकेजिंग की बात करें तो नॉर्मल थिक पेपर का बॉक्स है, एक कैमो प्रिंट मिलता है ग्रे कलर का, ला फ्रेंच स्टार और स्ट्राइप्स का सिंबल, परफ्यूम का नाम वॉर जोन, फॉर मतलब फॉर मैन, परफ्यूम कंसंट्रेशन उदय पफा, और क्वांटिटी इसकी 100 ml प्रिंटेड मिलती है। नीचे की तरफ एक बार कोड अवेलेबल है, साइड से एकदम खाली है, और पीछे की तरफ बैक साइड पर बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसमें मेन चीज है इसकी MRP जो है 899 rupees, एक बैच नंबर और 3 साल की शेल्फ लाइफ इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। इसकी MRP पर ना जाएं दोस्तों, ये आपको आराम से अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर आपको ये 500 rupees या उससे कम में मिल जाएगा। मैंने इसको मात्र 199 rupees में क्रेडिट से खरीदा। इस परफ्यूम की डायरेक्शन सेक्शन में भी शेक वेल बिफोर यूज लिखा हुआ है। मॉर्टल और रेजिस्ट का जब मैंने रिव्यू किया था तो मैंने बात आपको क्लियरली बताई थी कि परफ्यूम्स को मेरे हिसाब से शेक नहीं करना चाहिए। कुछ परफ्यूम्स होती हैं जिनको शेक करना बनता है, लेकिन वो इस बजट में नहीं आती हैं। और मैंने ला फ्रेंच की पहले जितनी भी परफ्यूम्स यूज करी हैं, उनमें ये डायरेक्शन कभी नहीं देखी है कि इनको शेक ही करना है तभी ये रंग लाएंगी। ठीक है, देखिए, परफ्यूम के जो नोट्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, जो उनको जब आप शेक करेंगे परफ्यूम को ऐसे जोर से शेक वेल की तरह शेक करेंगे, तो वो जो हीट है उसमें वो बॉन्ड्स टूट जाएंगे और फिर उन नोट्स की फ्रेग्रेंस इफेक्ट हो जाएगी। ऐसे में ओवरऑल परफ्यूम की फ्रेग्रेंस या बात जब हम करते हैं प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस की, तो वो खराब होने के चांसेस ज्यादा है। परफ्यूम बॉटल की बात करें तो देखिए, यहाँ पे सारी इसकी परफ्यूम बॉटल रखी हुई है इस सीरीज की, तो ये बिल्कुल ही मॉर्टल, रेजिस्ट और ये सारी की सारी बेसिकली एक सी ही डिजाइन की बॉटल्स हैं। ये सब डिजाइंड हैं बियर्डो के विस्की स्मोक फ्रेग्रेंस की बॉटल पर। अगर आप देखें टो टू टो ये बॉटल्स का डिजाइन, इनफैक्ट इनकी जो सामने की प्रेजेंटेशन है वो भी एकदम सेम है। बियर्डो ने विस्की स्मोक के साथ एक नई चीज ट्राई करी थी, वो थी स्टिकर लगाएंगे रादर देन प्रिंट में बताएंगे कि फ्रेग्रेंस कौन सी है, बाकी सारी चीजें, लेकिन ये इसमें काम कर गया था। और सिर्फ इन्होंने विस्की स्मोक बर्बन में भी ये चीज ट्राई करी थी, उसके बाद इनकी जितनी भी हैं फ्रेग्रेंसेस उनमें प्रिंट ही यूज हुआ है। ला फ्रेंच ने देखा देखी सारी चीजें कॉपी करी और ये भी कॉपी कर डाला कि इन्होंने स्टिकर प्रोवाइड किया है। और देखिए, इनकी भी जितनी भी बाकी की फ्रेग्रेंसेज हैं उनमें प्रिंट अवेलेबल है, और ये स्टिकर जो है ये पहली बार देखा। स्टिकर पर भी वही सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो बॉक्स पर दे रखी है। परफ्यूम बॉटल पर इसके अलावा कोई स्टिकर या प्रिंट नहीं है जिसमें इसका बैच नंबर, MRP या शेल्फ लाइफ इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। कैप की बात करें तो हल्की है, ग्रिप इसकी ठीक है दोस्तों, लेकिन देखिए अगेन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 2-hand ऑपरेशन करें अगर आपने खरीद ही लिया है, क्योंकि ये कोई क्लिक क्लोजर वाला कैप नहीं है और प्लास्टिक का कैप है, ओवर यूज करने में ये ढीला पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इसकी कैप ठीक है, शाइनिंग प्लास्टिक की है और इसकी ग्रिप ठीक ठाक है, अच्छी है। एटमाइजर की बात करें तो डिसेंट है, अगर आप इसका प्लूम देखें, स्प्रे देखें, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसेंट है, अच्छा क्वांटिटी में जूस रिलीज करता है, लीक नहीं करता, सबसे बढ़िया बात यह है। और 100 ml में आपको अराउंड 900 स्प्रेस आराम से मिल जाएंगे। आइए दोस्तों इसकी नोट प्रोफाइल समझें। कंपनी द्वारा दी गई नोट प्रोफाइल कुछ इस प्रकार है। तो टॉप नोट में आपको लेमन, एप्पल, बगमो, ब्लैक करंट और पाइनएप्पल का ब्लेंड मिलता है। मिड नोट्स में रोज, बर्च स्टार, जैस्मिन का ब्लेंड मिलता है। बेस नोट में मस्क, एम्बरग्रिस, पचुली और वनीला का ब्लेंड मिलता है। देखिए, नोट्स एकदम कॉपी पेस्ट है क्री डेमेंटस के, लेकिन सिर्फ नोट्स के डिस्क्रिप्शन तक ही ये सिमिलैरिटी है दोस्तों। ओपनिंग इसकी बहुत प्रॉमिसिंग है, इनिशियल पेपर आपको स्ट्रॉन्ग सिट्रसी स्वीट फ्रूटी नोट्स का ब्लेंड फील होता है, जो बहुत रिफ्रेशिंग और एनर्जेटिक लगता है, लेकिन ये ओपनिंग मेंटेन नहीं हो पाती, उसका ड्राई डाउन बहुत जल्दी आ जाता है। इसमें भी आपको ड्राई डाउन पर फ्लोरल नोट्स का ब्लेंड फील होता है। देखिए, बर्च स्टार एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और साथ में मस्क क्री डेमेंटस का, वो ना के बराबर फील होता है। वो जो मोड़ देना है इस फ्रेग्रेंस को बर्च स्टार और मस्क की वजह से, वो नहीं मिल पाता, काफ़ी लीनियर सी फ्रेग्रेंस फील होती है और ऐसे ही ड्राई डाउन भी करती है।
और इसके जो बाकी के बेस नोट्स हैं वो भी हल्के पड़ जाते हैं, और जिसकी वजह से इस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस के साथ साथ इसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। ऐसे में प्रोजेक्शन की बात करें तो वीक है, 30 से 45 मिनट तक ही फील होता है। और ये भी देखिए, हैवी स्प्रे करने पर 15 से 20 स्प्रे आप करेंगे या अच्छे अपने आपको भिगा देंगे, उसके बाद आपको और आपके आसपास के लोगों को थोड़ा बहुत पता चलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसी हैवी एप्लीकेशन के बाद 15 से 20 स्प्रेस के बाद स्किन और क्लोथ्स पर ही आपको 2 से 2.5 घंटे तक आपको फील होगा, एक अपनी प्रेजेंस बताएगा। उसके बाद दोस्तों ये टिका रहेगा आपकी स्किन और क्लोथ्स, स्किन पर तो नहीं, क्लोथ्स पर ही टिका रहेगा। और आपको पता चलेगा, जैसे आप मान लीजिए आपने स्मेल करा अपने कपड़ों को, तो आपको फील होगी एक माइल्ड सी, एक हल्की सी फ्रेग्रेंस, और ये खिंचती है। ये 3-3.5 घंटे तक आपको फील होगी, उसके बाद ना के बराबर आपको लगेगा कि आपने कुछ स्प्रे किया था, सुबह 15-20 स्प्रे करे थे, उसके बाद भी 3-3.5 घंटे में सब उड़ गया। यूजेज की बात करें तो ये सभी ओकेजन के लिए है, फॉर्मल इनफॉर्मल। एज ग्रुप की बात करें तो ये हर एज ग्रुप के लिए ठीक है, हर एज ग्रुप में हर इंसान को पसंद आने वाली है। सीजन की बात करें तो देखिए, साल भर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, विंटर्स में शायद इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर हो। इन ऑल बात करें दोस्तों, तो इस परफ्यूम की ओपनिंग से मुझे काफी एक्सपेक्टेशन थी। साथ में जब पता चला कि क्री डेमेंटस का क्लोन है, तो देखिए मेरे पास क्री डेमेंटस तो नहीं है, मेरे पास फ्रेग्रेंस एंड बियॉन्ड का नुई इंटेंस है, जो कि क्लब द नुई इंटेंस मैन का मेरे हिसाब से एक अच्छा क्लोन है, मतलब एक क्लोन का क्लोन है, ठीक है। और वो भी एक बजट में, ये 1500 रुपए की आती है, जो कि आपको आराम से अलग अलग प्राइस में मिल जाती है जब आप शॉप करते हैं। ये 900 रुपए की है, और देखिए प्राइस कैसे सेट करते हैं, कौन सा मैन्युफैक्चरर सेट करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन क्लब द नुई इंटेंस मैन के साथ कंपेयर करें तो ये दोनों बजट फ्रेग्रेंसेस हैं। मैंने ये 300 रुपए, 250 या 300 रुपए में खरीदी थी स्मिटन से, और ये मैंने खरीदी है 200 रुपए में। तो देखिए इन दैट वे ऑल्सो ये आजू बाजू की फ्रेग्रेंसेस हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो है नुई इंटेंस, इसकी परफॉर्मेंस और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू ला फ्रेंच की वॉरजोन। नाम बड़ा रख दिया वॉरजोन, बहुत उम्मीदें भी जगा ली थी इनके साथ, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं रहा है ये। कई रिव्यूअर्स ने इसको क्री डेमेंटस और क्लब द नुई इंटेंस का ऑल्टरनेटिव बोला है, साथ में ये भी बताया कि परफॉर्मेंस इसकी 6-8 घंटे तक की है। तो देखिए मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, मेरे पास जो मैंने आपको ये रिव्यू बताया है ये मेरे अपने एक्सपीरियंस पर है, और ये इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले सकें। देखिए क्रेडिट पर आप खरीदेंगे तो ये फ्रेग्रेंस अभी भी 200 रुपए की है, देखिए 200 रुपए भी मायने रखता है, आप उसमें थोड़े और पैसे लगाएं तो आप बजट में भी रहकर एक अच्छे ब्रांड की फ्रेग्रेंस ले सकते हैं, जो कि आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इससे कंपैरिजन में तो दोस्तों बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली फ्रेग्रेंसेस हैं। अगर आपने ये परफ्यूम ट्राई करी है और अगर आपको 6-8 घंटे की, जैसे कई रिव्यूज बता रहे हैं, वैसे परफॉर्मेंस मिली है, तो प्लीज बताएं आप क्या कर रहे हैं और आपने क्या आपने शेक वेल किया था, क्योंकि मैंने वो नहीं किया है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या ऐसा कर रहे हैं, और अगर आपने यूज किया है और आपके कोई भी व्यूज हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए, आशा करता हूं कि ये ऑनेस्ट कंटेंट और डिटेल्ड रिव्यू आपको पसंद आया होगा। फ्रेग्रेंस से जुड़े अपने सवाल मुझे यूट्यूब पर कमेंट करके या इंस्टाग्राम पर डीएम करके बताएं। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें, और महकते रहें अच्छी खुशबू अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।